Okay, good afternoon. So we will start from next section, which is 80GG. 80GG में आपका क्या है? The individual, it is in respect of house rent paid. House rent. हाउस रेंट पेड, सो 80GG एन इंडिविजुअल, उसका हाउस रेंट जो पे करता है उसका डिडक्शन आपको मिलेगा 80GG में. और हाउस रेंट कितना क्वांटम ऑफ डिडक्शन है? 5000 पर मंथ, 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द ईयर, और इन द एक्सेस ऑफ एक्चुअल रेंट पेड फॉर एकोमोडेशन ओवर 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम. So this is the, you have to check this three things. Lower of the following. Lower क्या है ये? Minimum of the following 5000 per month, 25% of adjusted gross total income. जितना भी adjusted gross total income आएगा उसका 25%, या फिर the excess of actual rent paid for accommodation over 10% of adjusted gross total income. और इसका कंडीशंस क्या है? कंडीशंस आर, दीज आर द फोर कंडीशंस व्हिच यू हैव टू प्रूव, व्हिच यू हैव टू बी देयर, तभी आपको ये जीजी का डिडक्शन मिलेगा. नो हाउस रेंट अलाउंस, कोई हाउस रेंट अलाउंस नहीं है. एसएससी इज नॉट रिसीविंग हाउस रेंट अलाउंस. नो हाउस एट द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जहां एसएससी काम करता है वहां उसका और कोई घर नहीं होना चाहिए. तो आपको एक ही घर का आप रेंट पे कर रहे हैं, एंड दैट रेंट शुड बी पेड. और इसका डिडक्शन आपको सिर्फ तभी मिलेगा जब आप जहां काम करते हैं, जिस सिटी में काम करते हैं वहां पे आपका और कोई घर नहीं है. नेक्स्ट इज नो क्लेम फॉर बेनिफिट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी. आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं होना पड़ेगा जैसे रेसिडेंशियल, बिकॉज दिस इज द डिडक्शन विच यू आर गेटिंग फॉर पेइंग हाउस रेंट. और अगर आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, इफ यू आर शोइंग कि मेरे पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, दैट मींस यू हैव टू टेक इट, यू हैव टू स्टे इन दैट, यू शुड स्टे इन दैट प्रॉपर्टी. आपको 80GG का डिडक्शन नहीं मिलेगा, इसीलिए आपका कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड अपना घर नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता कि आपका अपना घर भी है और आप रेंट भी देने के लिए 80GG का डिडक्शन ले रहे हैं. And you should give a proof of payment of rent. आप रेंट पे किए हैं, इसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा. तो ये आपका जो क्वेश्चन है, बहुत बड़ा हो जाता है, हमको आपको बताएंगे ना.
आपको डेस्कटॉप पे आने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा, और पे रेज करने के लिए आपको लिंक पे मिल जाएगा। डेस्कटॉप पे क्यों जाना है हमको, तो इसमें जाना है ये वाला ये, तो मतलब डेस्कटॉप पे ये इसके लिए यहाँ पे। हाँ और आपको डेट बेस करना है तो नीचे लेट्स डू दिस सम। इस सब में आपके पास क्या क्वेश्चन है? कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ श्री बजाज ऑफ दिल्ली फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। अगर अच्छा उसके पहले, नाउ पीपल आर नॉट कमिंग इन टैक्स क्लास, सिर्फ दो तीन जन आ रहे हैं, बाकी क्लासेस की तरह धीरे धीरे अब टैक्स क्लास में भी नो वन इज कमिंग। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर देर इज नो यूज कि हम आके पढ़ाएगा एंड कोई क्लास में आएगा नहीं। इससे बेटर है आई विल कम्प्लीट ये डिडक्शंस वाला चैप्टर, आई विल कम्प्लीट बिकॉज दिस चैप्टर बीच में हम चाइना ही छोड़ेगा। उसके बाद आपका दो तीन चैप्टर बाकी है, टीडीएस, टीडीएस इज वन ऑफ द मेजर चैप्टर, और दो है एक असेसमेंट प्रोसीजर और रिटर्न पैन फाइल, पैन रिटर्न फाइलिंग, वो सब का चैप्टर है। थ्री चैप्टर्स बेसिकली जिसमें टीडीएस सबसे ज्यादा बड़ा है, और बाकी तो छोटा छोटा थ्योरी चैप्टर है, वो आप खुद भी पढ़ोगे तो हो जाएगा। सो इफ दिस इज द अटेंडेंस, बाकी चैप्टर स्टार्ट करना है या नहीं करना है उसके लिए फिर आई हैव टू थिंक, क्योंकि अगर कोई आएगा ही नहीं तो फिर कोई यूज नहीं है। किसी को अगर कभी कोई डाउट है तो यू कैन कॉल मी, व्हाट्सएप मी, आप अपना डाउट मेरे से पूछ लेना। डिडक्शंस वाला चैप्टर खत्म करने के बाद आई विल सी व्हाट टू डू फॉर अदर चैप्टर्स। तो ऐसे एक दो जन को पढ़ा के इट इज नॉट, कोई फायदा नहीं है, और ये कोई हम अपने लिए तो पढ़ा नहीं रहे कि आई एम टू गिव एग्जाम या हम कुछ सीख रहे हैं सबसे। सो इफ स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग, फिर जैसे बाकी टीचर्स लोग भी अपना क्लासेस ऑफ कर दिया है, आई हैव टू ऑल्सो थिंक फॉर दैट। ओके, कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ श्री बजाज ऑफ दिल्ली फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। टीजीबीपी से वो अर्न करता है 80,000, हाउस प्रॉपर्टी उसका है 40,000, लेट आउट है और सिचुएटेड एट कोलकाता, तो उसका घर है कहाँ, 40,000, और क्या बोलते हैं उसको, वो लेट आउट करके रखा है, ठीक है, और वो घर कोलकाता में है, और वो काम कहाँ करता है, दिल्ली में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 10,000 रुपया, रेंट पेड फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए कितना रेंट पे किया है 8,000, रेंट पेड फॉर रेजिडेंशियल हाउस 40,000, 40,000 रुपया ऑफिशियल रेजिडेंशियल हाउस के लिए वो पेमेंट किया है। नाउ यू सी वन थिंग, ये आपका पीजीबीपी है, हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्सेस है, तो फर्स्ट यू शुड राइट, यहाँ पे आपका पीजीबीपी पहले दे दिया है कुछ सॉल्यूशन में, बट आपको फर्स्ट लिखना चाहिए इनकम फ्रॉम अदर हाउस प्रॉपर्टी। अरे बाप रे, इनकम फ्रॉम एचपी, सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी आना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी का 40,000 रुपीज, ठीक है, उसके बाद टीजीबीपी, टीजीबीपी में ये आएगा 80,000 रुपीज, और अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस में 10,000, सो टोटल इज 1,30,000, ठीक है। ये आपका कौन सा इनकम बनता है, जीटीआई, इसमें से अब आपको डिडक्शन माइनस करना है। डिडक्शन आपको कौन सा माइनस को मिलेगा, 80GG का, क्योंकि यहाँ पे और कोई डिडक्शन दिया हुआ ही नहीं है, 80GG का रेंट पेड मिलेगा फॉर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। नाउ सी वहां पे क्या कंडीशंस था, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसका पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं है। सेकेंड कंडीशन था कि उसका जो सेल्फ, ये क्या बोलता है, जहाँ ऑफिस है वहां कोई घर नहीं होना चाहिए, तो वो दिल्ली में ऑफिस है, दिल्ली में कोई घर नहीं है, घर कहाँ है, कोलकाता में है, तो वो कंडीशन भी फुलफिल हो गया, ठीक है, वो कंडीशन भी फुलफिल हो गया। और वो बेनिफिट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का कोई बेनिफिट नहीं लेता वो, नो क्लेम, उसके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है ही नहीं,
और पेमेंट ऑफ रेंट का प्रूफ, तो ये सारा कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, तो इसको 80GG का डिडक्शंस मिलेगा। अब 80GG का डिडक्शंस मिलेगा, तो 80GG का डिडक्शंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? उसका फॉर्मूला से। पहला क्या था, 5000 पर मंथ, ये तीन में से रिजर्वर इज लोअर होगा, मतलब 60,000 रुपया। 5000 पर मंथ मतलब 60,000 रुपया। फिर बोलता है 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, 25% ऑफ GTI। अब GTI कैसे निकाला जाता है? GTI में क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम, आप उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माइनस कर दीजिए, बाकी ऑल डिडक्शंस एक्सेप्ट 80GG। तो आप जब 80G कर रहे थे, वहां पर एडजस्टेड GTI कैसे निकाल रहा था, जो आपका ग्रॉस टोटल इनकम है वहां पे अपने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इनकम माइनस करते थे, और 80C से लेके 80U तक सारा डिडक्शंस माइनस करते थे एक्सेप्ट 80G। तो अब जिस सेक्शन का काम कर रहे हैं उस सेक्शन का आप माइनस नहीं करेंगे। It is very obvious also because you want to calculate deduction under 80GG. So आप 80GG minus करेंगे कैसे? आपको पता ही नहीं है 80GG में कितना deduction? आपको पता ही नहीं है 80GG में कितना deduction है, तो आप minus करेंगे क्या? इसलिए वहाँ पर लिखा है all deduction except 80GG because that did उस section का deduction आपको पता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आपका एडजस्टेड नाउ सी ग्रॉस टोटल इनकम आपके पास कितना है, 1,30,000, और आपके पास कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का इनकम नहीं है। कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इनकम अगर नहीं है, आपका 1,30,000 ही है, और आपका और कोई अदर डिडक्शन भी नहीं है, मतलब आप और कोई डिडक्शन भी इसमें से माइनस नहीं कर सकते। 80GG तो आपको करना भी नहीं है बिकॉज यू डोंट नो उसमें कितना है, और 115A का भी कोई इनकम नहीं है, मतलब और कुछ एडजस्ट नहीं करना है इसमें। दिस GTI डज नॉट नीड्स टू बी एडजस्टेड, क्योंकि एडजस्ट करने के लिए अपने को जो जो फिगर चाहिए वो फिगर यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए हमारा वही आंसर वही रह जाएगा GTI, जो GTI है वही हमारा एडजस्टेड GTI भी हो जाएगा, और यहाँ पे एडजस्टेड है। ठीक है, 1,30,000 25% ऑफ एडजस्टेड GTI, तो 25% ऑफ 1,30,000 कितना होता है? 32,500। और एक था रेंट पेड, वो वाला जो और एक लाइन था वो लाइन सी, एक और लाइन था यहाँ पे, इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल रेंट पेड फॉर एकोमोडेशन ओवर 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। इसका मतलब क्या बोल रहा है, कितना आप रेंट ज्यादा दिए हैं एडजस्टेड GTI से, कैसे? सी 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, तो 10% ऑफ एडजस्टेड GTI कितना होगा, 1,30,000 का 10% इज 13,000। अब रेंट कितना पेमेंट करते हैं रेजिडेंशियल हाउस का, 40,000, मतलब 10% ऑफ एडजस्टेड GTI जो आएगा उससे कितना ज्यादा आप रेंट पे किए हैं। सी द लैंग्वेज, द एक्सेस ऑफ एक्चुअल रेंट पेड, कितना ज्यादा आप रेंट पे किए हैं फॉर एकोमोडेशन ओवर 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, एडजस्टेड GTI से कितना ज्यादा रेंट आप पे किए हैं। तो 10% ऑफ एडजस्टेड GTI 13,000 है, और 13,000 से कितना ज्यादा रेंट पे किए हैं, 27,000। तो 27,000 नेक्स्ट, पहला कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये है, और तीसरा कंडीशन 27,000 है। ठीक है, तो विच एवर इज लोअर लेना है आपको, तो 80GG में कितना रिडक्शन मिलेगा आपको, 27,000। तो यहाँ पे जहाँ हम लोग सम कर रहे थे, 80GG का डिडक्शन मिलेगा 27,000, तो 1,30,000 से 27,000 अगर आप माइनस करते आपका टोटल इनकम है 1,03,000, दिस इज टोटल इनकम। ठीक है,
तो आप देख लीजिए, ये पहले जो आपका निकलता है वो ग्रॉस टोटल इनकम निकलता है, और उसके बाद जो निकलता है वो आपका टोटल इनकम निकलता है. सी दिस वन इज ग्रॉस टोटल इनकम और इसके बाद टोटल इनकम. जब आप डिडक्शन से माइनस कर देते, डिडक्शंस माइनस कर देते हैं, उसके बाद आपका टोटल इनकम निकलता है. दिस इज द इनकम, ये 1,03,000, ये वो इनकम है जिस पे आपको टैक्स देना है. ओके, दिस वाज योर 80GG. नेक्स्ट इज 80GGA. पीजीबीपी पे हम लोग एक चीज पढ़े थे, साइंटिफिक रिसर्च. साइंटिफिक रिसर्च में जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, साइंटिफिक रिसर्च में जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका 100% डिडक्शन मिलता है. ये एक चीज अपने पढ़े थे साइंटिफिक रिसर्च का पीजीबीपी में. डिडक्शंस वाला चैप्टर में भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपके पास एक और डिडक्शन है 80GGA. बट द प्रॉब्लम विद दिस इज पीजीबीपी में क्या था, पीजीबीपी में था कि जब आपका बिजनेस है साइंटिफिक रिसर्च, अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं इनोवेशन, तब आपको 80GGA का डिडक्शन मिलेगा. सॉरी, तब आपको साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपका कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो डिडक्शन मिलेगा 100%. लेकिन यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही बोल दिया एसएससी का पीजीबीपी नहीं होना चाहिए. एसएससी हु इज नॉट हैविंग एनी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, मतलब पीजीबीपी होने से तो वो पीजीबीपी वाला सेक्शन में है ही, साइंटिफिक रिसर्च के लिए रेवेन्यू कैपिटल सब पे 100% डिडक्शन है, तो इसीलिए उस पे 80GGA इज नॉट एप्लीकेबल. 80GGA कब एप्लीकेबल है, जब आपका पीजीबीपी से कोई प्रॉफिट नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे अब एसएससी क्या कर रहा है, एसएससी इज फॉर कितना सारा चीज वो साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है. रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इरेडिकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, सोशल साइंस, स्टैटिस्टिकल रिसर्च, अदर पर्पस, ये सारा काम है पर्पस, तब आपको 80GGA का डिडक्शन मिलेगा. अमाउंट पेड टू रूरल डेवलपमेंट में कोई भी अप्रूव्ड एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन who is engaged in the project of this rural development, कोई भी ऐसा association या ऐसा कोई क्या बोलते हैं institution है जो ये सब related काम करता है, उसमें अगर आप कोई amount दिए हैं तो वो तो उसका deduction आपको 80GGA में मिलेगा. Poverty eradication, same notified national urban poverty eradication fund, इस fund में अगर कोई आप जमा करते हैं या फिर अगर आप कुछ pay करते हैं इस fund में, तब आपको 80GGA में आपको रिडक्शन मिलेगा. सी, जब आपने पीजीबीपी कर रहे थे, पीजीबीपी में क्या था, पीजीबीपी में वो खुद साइंटिफिक रिसर्च करना चाहता था और वो उसके लिए खर्चा करता था. बट यहाँ पे 80GGA में वो डोनेट कर रहा है, मतलब ही इज पेइंग अमाउंट, या तो वो कोई फंड या इंस्टीट्यूशन में कहीं भी वो अमाउंट दे रहा है. तो दिस इज द डिफरेंस. इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि बिजनेस या प्रोफेशन का एसएससी नहीं होना चाहिए, पीजीपीपी वाला एसएससी नहीं होना चाहिए, दूसरे लोगों के लिए है 80GGA. ठीक है, फॉर साइंटिफिक रिसर्च, रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन, ऐसा कोई जगह पर आप डिपॉजिट कर रहे हैं, पैसा डोनेट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और एनी अदर इंस्टीट्यूशन, तो आपको मिलेगा. सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च, रिसर्च एसोसिएशन हैज इट्स ऑब्जेक्ट ऑफ अंडरटेकिंग रिसर्च इन सोशल साइंस, ऐसा कोई काम में सोशल साइंस या रिसर्च में अगर कोई काम कर रहा है, यू आर पेइंग एन अमाउंट पब्लिक सेक्टर कंपनी और लोकल अथॉरिटी फॉर एनी अदर पर्पस जहां नोटिफाइड है कि वहां अगर आप देते हैं तो आपको 80GGA का डिडक्शन मिलेगा, तो वहां डिपॉजिट करने से आपको 80GGA का डिडक्शन मिल जाएगा. ठीक है, 80GGA में कितना डिडक्शन मिलता है, जितना आप डिपॉजिट करेंगे पूरा अमाउंट डिडक्शन मिलता है 100%, उसमें कोई लिमिट नहीं है. आप 1,00,000 रुपए देंगे तो 1,00,000 का डिडक्शन, 5,00,000 देंगे 5,00,000 का डिडक्शन, जितना अमाउंट आप डिपॉजिट करेंगे या पे करेंगे वो पूरा आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर 80GGA. नेक्स्ट इज 80GGB, पॉलिटिकल पार्टीज.
पॉलिटिकल पार्टीज में अगर आप कोई डोनेशन देते हैं उसका भी 100% डिडक्शन है एनी मोड अदर देन कैश. इंडियन कंपनी अगर कोई कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी अमाउंट डोनेट करती है या कंट्रीब्यूट करती है इन एनी मोड अदर देन कैश, कैश में आप किसको कितना दे रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कैश में देने का मतलब ये भी हो सकता है आप अपना ब्लैक मनी खत्म कर रहे हैं कैश में पेमेंट कर करके. So you have to do at any other mode other than cash. Electronic mode होना पड़ेगा आपका. तो आप जितना amount political parties को donate करेंगे वो सारा आपको 80GGB में deduction मिलेगा. पहला वाला 80GGA में आपका quality है, क्या बोलता है, Indian company है 80GGA में, और 80GGB में है other person. Any person to political parties. पहला वाला GGA में कौन है companies और दूसरा वाला में है any person other than political any person to political parties. All SSC except local authority and artificial juridical person. ये दोनों जन को हटा के, ठीक है, local authority और artificial juridical person. अब artificial juridical person हट गया इसका मतलब automatically company हट जाता है क्योंकि कंपनी इज नॉट कंपनी भी एक आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन के उसमें आता है. इसीलिए जीजीबी में कंपनीज आर नॉट देयर. कंपनीज के लिए इंडियन कंपनीज के लिए 80GGA है. अब जीजीबी सॉरी जीजीबी में जीजीए तो आपका उसका था साइंटिफिक वाला. जीजीबी में आपका कंपनीज है इंडियन कंपनीज और जीजीसी में है कोई भी अदर देन इंडियन लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन. आपको डिडक्शन देना है कोई भी मोड में अदर देन कैश और आपका क्वांटम ऑफ डिडक्शन है 100%. आप जितना भी डिडक्शन जितना भी डोनेशन देंगे पूरा डिडक्शन मिल जाएगा. 100% डिडक्शन इज अवेलेबल. ओके नेक्स्ट इज 80IA. या ये पांच सेक्शन है जो कुछ कुछ बुक्स में आपको मिल हो सकता है अलग से रहे नॉट अंडर द चैप्टर ऑफ डिडक्शंस. But in this book it is under the head of deductions. Reductions वाला chapter में ही है. ठीक है, कौन सा section से ये 80IA, IAB, IAC, IB और IBA, ICIE. ये चार पांच छह. ये छह आपका कभी कभी हो सकता है कोई और बुक में अंडर डिफरेंट हेड ऑफ चैप्टर में आता है बट इन दिस बुक ये वाला सेक्शन भी आपका इसी में डाल दिया है. 80 सीरीज वाला चैप्टर में वो भी डाल दिया है. सो ये सब रिलेटेड टू ये जो डिडक्शन अभी हम लोग पढ़ेंगे ना वो रिलेटेड टू स्पेसिफिक चीज है. इतना देर से आपने जो भी डिडक्शन पढ़ रहे थे वो इट वॉज नॉर्मल. 80 सी कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ को डिडक्शन मिलता है, 80 डी कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ को डिडक्शन मिलता है वैसा था. बट अभी जो ये पांच छह सेक्शंस है इसमें स्पेसिफिक है कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री वाले लोगों को ही ऐसा मिलेगा या उस पर्टिकुलर रीजन वाले लोगों को ही ऐसा मिलेगा. यहाँ पे एक सेक्शन है जहाँ डिडक्शंस आर अवेलेबल ओनली फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन. नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों को ही सिर्फ वो डिडक्शन मिलेगा इफ दे आर इनटू दैट बिजनेस. बाकी इंडिया में वो डिडक्शन नहीं मिलेगा. तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक रीजन वाला डिडक्शन है. पर्टिकुलर बिजनेस या पर्टिकुलर रीजन पे आपको ये डिडक्शन मिलेगा. 80IA. 80IA क्या है? डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एंगेज. आपको सबसे पहले इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होना पड़ेगा एंड यू हैव टू बी एंगेज्ड इन दीज बिजनेस ओनली. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इंडस्ट्रियल पार्क्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ये तीन काम आपको करना है. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इंडस्ट्रियल पार्क्स. इंडस्ट्रियल पार्क्स मतलब इंडस्ट्रियल पार्क्स आर ह्यूज एरियाज. बहुत बड़ा एरिया है आउटसाइड और ऑन द क्या बोलते हैं बॉर्डर्स ऑफ सिटी अर्बन एरिया. उसमें सिर्फ इंडस्ट्री के लिए यूज होता है नॉट फॉर योर रेजिडेंशियल पर्पज. सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पस. बिजनेस पार्क भी होता है. बिजनेस पार्क मतलब जो छोटा एरिया फॉर डूइंग बिजनेस और इंडस्ट्रियल मतलब इट्स अ ह्यूज स्ट्रेच जहां ओनली फॉर इंडस्ट्रीज. जैसे ये इतना बड़ा स्ट्रेच होता है कि आपका ऑयल रिफाइनरीज, पोर्ट्स, ये सब का बिजनेस भी हो सकता है इन इंडस्ट्रियल पार्क. स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये तो आपको पता ही है, ये पहले भी बताया था. एंड इनटू द बिजनेस ऑफ पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन.
ये तीन काम में है, अगर कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ये तीन काम में है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, पहला वाला पॉइंट अपने पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ठीक है। उसके बाद वी विल डू इंडस्ट्रियल पार्क, उसके बाद पावर जनरेशन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में क्या है, इंडियन कंपनी और एनी कंसोर्टियम ऑफ सच कंपनी, इंडियन कंपनी को मिलता है या फिर एनी ग्रुप ऑफ इंडियन कंपनीज को, ये आपको डिडक्शन मिलता है। नेक्स्ट, वॉट आर द कंडीशन विच यू नीड टू बी सेटिस्फाइड, यू हैव टू सेटिस्फाई, एंटरप्राइज शुड कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ डेवलपिंग ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग, या तो यू आर डेवलपिंग ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग और डेवलपिंग ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ऐसा कोई काम में है। और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मतलब रोड बनाना, हाईवे का प्रोजेक्ट है, वाटर सप्लाई है, कोई भी रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अगर आप करते हैं, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, कुछ भी ऐसा, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, मेंटेन करते हैं, या फिर यू ऑपरेट, कुछ भी ऐसा करने से यू फॉल अंडर दिस कैटेगरी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। एग्रीमेंट, एसएससी हैज एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वो क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सा एग्रीमेंट, उसको कौन बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, उसका कोई एग्रीमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ कि ही विल डेवलप और ऑपरेट और मेंटेन सच इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। और ये एग्रीमेंट कब हुआ था, ये एग्रीमेंट 95 के बाद हुआ था, 2017 के पहले हुआ था, ठीक है। ही स्टार्टेड और स्टार्ट्स ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग 95 के बाद और 2017 के पहले, इस टाइम पीरियड में अगर ऐसा कोई काम हुआ है या फिर ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ है विद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तब आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का कंडीशन आप फुलफिल करते हैं, तब आपको 80IA का डिडक्शन मिलेगा। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, नाउ सी, पोर्ट, एयरपोर्ट, लैंडवे, वाटरवे, ये सब के लिए 100% डिडक्शन है। जितना भी आपको प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है, 80IA में आपको 100% प्रॉफिट मिलता है। लास्ट 15 साल में 10 साल, मतलब सपोज 10 साल आज से पहले का 15 साल आप ले लीजिए, ठीक है, 15 years, 15 साल में सिर्फ 10 साल का प्रॉफिट, 10 कंसेक्यूटिव इयर्स का जो प्रॉफिट है वो आपको अलाउ हो जाएगा। लास्ट 15 साल में आपको सिर्फ 10 साल का प्रॉफिट आपको अलाउ हो सकता है अंडर 80IA। मतलब आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आप इस साल लिया डिडक्शन, नेक्स्ट ईयर लिया, ऐसे करते करते ओनली 10 years आप डिडक्शन ले सकते हैं। मतलब 15 साल सपोज सिर्फ 10 साल का ही आपको डिडक्शन मिलेगा, उसके बाद आपका डिडक्शन नहीं है फॉर पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये सब के लिए। नेक्स्ट इज हाउसिंग और अदर डेवलपमेंट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और कोई डेवलपमेंट भी हो सकता है, हाउसिंग और अदर डेवलपमेंट में भी हो सकता है, 100% ऑफ प्रॉफिट आपको मिलेगा। और कितना, लास्ट 20 इयर्स में 10 कंसेक्यूटिव इयर्स का आपको क्या बोलते हैं मिल जाएगा डिडक्शन, ओनली फॉर 10 इयर्स। लास्ट 20 साल में अगर आपके पास 20 साल का प्रॉफिट है तो 10 साल 10 कंसेक्यूटिव इयर्स का आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। अब ऐसा आप ये क्या बोलते हैं, कभी भी 10 साल, लास्ट 20 साल में कोई भी 10 कंसेक्यूटिव इयर्स आप चूज कर सकते हैं डिडक्शन लेने के लिए। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि फर्स्ट ईयर से लेके 10th ईयर तक ही आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन कोई भी 10 कंसेक्यूटिव इयर्स होना चाहिए एक के बाद एक। तो एक बार अगर आप इसको एक साल में स्टार्ट कर लिए तो फिर 10 साल तक आपको डिडक्शन मिलेगा। इट शुड बी 10 कंसेक्यूटिव इयर्स, लास्ट 20 साल में कोई भी 10 कंसेक्यूटिव इयर्स आप ले सकते हैं। और अदर कोई फैसिलिटी है तो उसका भी 100% डिडक्शन मिलेगा 10 कंसेक्यूटिव इयर्स आउट ऑफ 20 इयर्स। सिर्फ पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स के लिए लास्ट 15 साल में 10 साल है और बाकी सब के लिए आपके पास 20 साल में 10 साल चूज करने का ऑप्शन है।
ठीक है. नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे आपका कुछ कंडीशंस यू हैव टू फुलफिल. व्हाट आर द कंडीशंस? प्रॉफिट ऑफ सच अंडरटेकिंग शैल बी कंप्यूटेड इन अ प्रेस्क्राइब्ड मैनर. सच प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर्ड टू अ स्पेशल रिजर्व अकाउंट. रिजर्व शैल बी यूज फॉर हाईवे प्रोजेक्ट एक्सक्लूडिंग हाउसिंग एंड अदर एक्टिविटीज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 years फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर इन विच द अमाउंट वॉज ट्रांसफर्ड. तो प्रॉफिट आपको एक कोई जो प्रेस्क्राइब मैनर है उसमें आपको निकालना पड़ेगा, उस हिसाब से प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. प्रॉफिट को स्पेशल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा. एंड दिस रिजर्व शैल बी यूटिलाइज फॉर हाईवे प्रोजेक्ट हाउसिंग और अदर एक्टिविटीज का छोड़ के आपको वो प्रॉफिट जो आप जमा किए स्पेशल रिजर्व में वो आपको यूज भी कर लेना है. दैट मीन्स इट इज नॉट दैट यू विल एंजॉय विद दैट प्रॉफिट. आपको यूज करना है, कहाँ यूज करना है? हाईवे प्रोजेक्ट में एक्सक्लूडिंग हाउसिंग एंड अदर एक्टिविटीज. हाउसिंग और अदर एक्टिविटीज में आप यूज नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे सपोज यू ट्रांसफर्ड द प्रॉफिट इन 1718 का प्रॉफिट आप स्पेशल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किए थे. अब इस प्रॉफिट को सपोज 50 करोड़ का प्रॉफिट आप ट्रांसफर किए हैं. अब इस 50 करोड़ का जो स्पेशल रिजर्व में आप ट्रांसफर किए हैं इसको आपको यूज करना है विद इन 3 years ऑफ द ईयर जिसमें आप ट्रांसफर किए, मतलब 17-18 से लेके 3 years 18-19, 19-20, 20-21 तक आपको ये जो 50 करोड़ रुपया है हाईवे प्रोजेक्ट में यूज करना है, तभी आपको डिडक्शन मिलेगा. यू कैन नॉट सिट विद दिस प्रॉफिट, या फिर आप उस प्रॉफिट से कुछ और काम नहीं कर सकते. आपको हाईवे प्रोजेक्ट में ये 50 करोड़ रुपया लगाना है विद इन 3 years ऑफ द ईयर इन विच आप वो प्रॉफिट ट्रांसफर किए थे स्पेशल रिजर्व में. 17-18 से 3 साल में आपको ये 50 करोड़ रुपया हाईवे प्रोजेक्ट में यूज करना है. ये कंडीशंस आपको फुलफिल करना पड़ेगा तभी आप 80IA वाला डिडक्शन एंजॉय कर सकते हैं. दिस वॉज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. अब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. नेक्स्ट आपका है इंडस्ट्रियल पार्क्स एंड सेज. सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन. इंडस्ट्रियल पार्क और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल SSC. कोई भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला SSC को ये एप्लीकेबल है. नेचर ऑफ बिजनेस. अब ये बिजनेस भी वही सेम चीज डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, ऑपरेटिंग डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पार्क, ये सब काम में वो होना पड़ेगा. कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस. पहला वाला भी क्या था, 95 के बाद 2017 के पहले. लेकिन इसमें दो चीज है, इंडस्ट्रियल पार्क और स्पेशल इकोनॉमिक जोन. तो आपका ठीक है, इंडस्ट्रियल पार्क का इस साल क्या है, 97 से 2011 में, मतलब 97 में स्टार्ट हुआ था. यू हैव एंटर्ड इनटू बिजनेस वाज स्टार्टेड इन 97 to 2011. इस पीरियड में जो इंडस्ट्रियल पार्क और स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला बिजनेस ने किया होगा ना, वही लोग को सिर्फ ये डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80IA. और 80 स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए टाइम क्या है, 2001 से लेके 2006. सिर्फ ये 5 साल का जो आदमी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम स्टार्ट किया होगा उसको ही सिर्फ ये डिडक्शन मिलता है. कितना डिडक्शन मिलता है, जितना आप प्रॉफिट कमाए हैं 100% ऑफ द प्रॉफिट आपको अलाउ हो जाएगा इस डिडक्शन फॉर 10 कंसेक्यूटिव इयर्स आउट ऑफ 15 इयर्स. लास्ट 15 साल में कोई भी 10 साल कोई भी 10 साल ले सकते हैं, लेकिन वो 10 कंसेक्यूटिव इयर्स होना चाहिए. वो कंसेक्यूटिव इयर्स अगर आप ले लिए तो आपको डिडक्शन मिलेगा. वो 10 साल का आपको डिडक्शन मिल सकता है, उसके अलावा आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा. एंड यू हैव टू स्टार्ट योर बिजनेस विद इन दैट पीरियड. इन सेल्स आप 2001 से लेके 6 में बिजनेस स्टार्ट किए हैं, या फिर इंडस्ट्रियल पार्क अगर है वहां आप बिजनेस स्टार्ट किए हैं 97 से लेके 2011 तक.
नेक्स्ट इज पावर जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी, ये भी ऑल एसएससी है एंड इसका क्या कंडीशन है, इज सेटअप इन इंडिया, ये अंडरटेकिंग ऑब्वियसली इंडिया में होना चाहिए, आपको रिडक्शन यहाँ मिल रहा है तो इंडिया में ही होगा, और आपको इसका साल क्या है, इसका कमेंसमेंट वाला साल देखिए, जनरेशन ऑफ पावर, इफ यू आर इन द बिजनेस ऑफ जनरेटिंग पावर 93 से 2017 के बीच में आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है, इस पीरियड का प्रॉफिट ही आपको अलाउ होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इफ यू आर इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय लेइंग अ नेटवर्क ऑफ न्यू ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, तो 99 से लेके 2017 तक आपका बिजनेस स्टार्ट होगा, या रेनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन अगर है तो 2004 से लेके 2017 तक, अगर ये काम आप कर रहे हैं इस साल में, इस पीरियड में, तब आपको रिडक्शन मिलेगा 80 IA में। एंड बिजनेस जो है आपका वो न्यू बिजनेस होना चाहिए, इन दिस इयर्स आल्सो इट शुड बी अ न्यू बिजनेस, ये कंसेप्ट हम लोग पहले भी पढ़े थे पीजीपी में। न्यू बिजनेस मतलब कोई भी स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन से बना हुआ बिजनेस नहीं होना चाहिए, आपका खुद का नया बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। बट देर आर सम एक्सेप्शंस, क्या है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो बिजनेस है वो पुराना बिजनेस का रीऑर्गेनाइजेशन करके अगर बनता है तो भी 80 IA में डिडक्शन मिलेगा। इन केस वे सेक्शन 33B आर सैटिस्फाइड, 33B का क्या 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 कंडीशन है, ए में है द बिजनेस ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कैरिड ऑन इन इंडिया इज डिसकंटिन्यूड इन प्रीवियस ईयर बाय रीजन ऑफ एक्सटेंसिव डैमेज की वजह से जो बिजनेस था वो डिसकंटिन्यू करना पड़ा, ये आप पहले भी पढ़े थे। और ये डैमेज क्यों है, ड्यू टू नेचुरल कॉजेज, ठीक है, नेचुरल जैसे फ्लड, टाइफून या कोई भी सिविल डिस्टर्बेंसेस, कोई भी वॉर, रायट्स, कोई भी ऐसा है विच इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ एसएससी, तब उस वजह से अगर बिजनेस बंद कर देना पड़ा था तो आप अगर वापस जिस दिन आप बंद किए थे उसके 3 years में अगर आप अपना बिजनेस को रिन्यू कर लेते, वापस रीएस्टैब्लिश कर लेते हैं तो आपको 80 IA का डिडक्शन मिलेगा। इन दिस केस दैट पॉइंट कि न्यू बिजनेस होना चाहिए, शुड नॉट बी ओल्ड बिजनेस का रेनोवेशन और रीएस्टैब्लिशमेंट, वो एप्लीकेबल नहीं होता इस पॉइंट में, तब आपका वो एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज वो डैमेज हो गया था एंड इट वॉज नॉट इन योर कंट्रोल, बट आप विद इन 3 years उस डैमेज को ठीक कर चुके हैं। What is the quantum of deduction? Quantum of deduction यहाँ पे भी आपका 100% है, जितना भी आपका जो खर्चा होगा 100% प्रॉफिट आपका डिडक्शन मिलेगा। सी इतना देर हमारा जो खर्चा रहता था उसका रिडक्शन मिलता था, कि हम लोग जिस पे भी डिडक्शंस में पड़े थे, आप मेडिक्लेम का खर्चा कर रहे हैं, LIC का खर्चा कर रहे हैं, एडुकेशन लोन का खर्चा कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका उस खर्चे का रिडक्शन मिल रहा था। बट दिस इज सेक्शन जो बोलता है 100% ऑफ प्रॉफिट, मतलब जितना भी इस बिजनेस से आपको प्रॉफिट हुआ है वो पूरा प्रॉफिट आपका 80 IA में डिडक्शन हो जाएगा, इट विल बी जीरो एंड आपका टैक्सेबल टैक्स लायबिलिटी उस बिजनेस में से कुछ नहीं आएगा उस साल, 10 साल का लास्ट 15 साल में कोई भी कंसेक्यूटिव 10 साल आप ले लीजिए, उस 10 साल का प्रॉफिट का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। Next is undertaking setup for reconstruction or revival of a power generating unit. Power generating unit will be reconstruction or revival of what? Power generating unit. और उसके क्या conditions है? It is applicable to Indian company and the company is formed before 2005, 30th November 2005. उसके पहले वो company बना है and it is also notified within 1 month. मतलब नवंबर 2005 के पहले वो कंपनी बना है और दिसंबर 2005 के पहले वो कंपनी नोटिफाई कर दिया गया है, उस कंपनीज को ही सिर्फ ये 80 IA में पावर रिकंस्ट्रक्शन और रिवाइवल ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट का बिजनेस के लिए रिडक्शन मिलता है। रिडक्शन यहाँ भी आपका 100% ऑफ प्रॉफिट है लास्ट 15 साल में, कोई भी 10 साल का 100% ऑफ प्रॉफिट आपका वो हो जाएगा।
क्या बोलते हैं अलाउ हो जाएगा, यू डोंट हैव टू पे टैक्स, बट यू हैव टू फाइल योर रिटर्न विद इन टाइम एंड सर्टिफिकेट इन फॉर्म सीसीबी. देन सीसीबी फ्रॉम अ सीए इज रिक्वायर्ड टू फर्निश 1 month prior to the due date of submission. अच्छा एक और चीज है इसमें, इंटर यूनिट ट्रांसफर. सपोज एक एसएससी है, उसके पास दो यूनिट है, एक यूनिट एटलीस्ट कैरीज ऑन एटलीस्ट टू यूनिट्स, और वो टू यूनिट्स में क्या करता है, one such unit at least is eligible for deduction and at least one is not eligible for exemption. मतलब ATIA में एक unit eligible है deduction के लिए और एक unit नहीं है, ठीक है. ऐसा आपका unit transfers, आपको कैसे क्या इसमें बोल रहे हैं, सी goods or services are transferred from eligible unit to non-eligible unit. जो unit eligible है उसमें से goods or services अपने non-eligible unit को दे रहे हैं, और वाइस वर्सा, नॉन एलिजिबल यूनिट से एलिजिबल यूनिट में आ रहा. द कंसीडरेशन फॉर सच ट्रांसफर डज नॉट करेस्पॉन्ड टू मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स. मतलब जितना मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स है उससे कम है कंसीडरेशन. इट इज नॉट डज नॉट करेस्पॉन्ड टू द मार्केट वैल्यू ऑफ सच गुड्स. तब आपको डिडक्शन किसमें मिलेगा, डिडक्शन शैल बी कंप्यूटेड एज इफ द ट्रांसफर हैड बीन मेड एट मार्केट वैल्यू. जो आपका मार्केट वैल्यू है उस अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा. इंटर यूनिट ट्रांसफर में सिर्फ आप ऐसे ही मनाया आपका ट्रांसफर कर देते हैं डिडक्शन लेने के लिए तो नहीं होगा, आपको डिडक्शन मिलेगा ये मानते हुए कि मार्केट वैल्यू पे ट्रांजैक्शन हुआ है. तो यू कैन नॉट डू इट एट मोर, फायदा पहुंचाने के लिए आप 1 lakh का सामान 1.5 lakh में अपना यूनिट को नहीं दे सकते ये सोच के कि मेरा यूनिट है. नो, If it is 1 lakh at market rate, तो आपको 1 lakh का ही reduction मिलेगा, excess का reduction नहीं मिलेगा. This condition also you have to satisfy. और double deduction is not allowed. मतलब अगर आपको कोई और section में या कोई और provision के अंदर आपको deduction मिल रहा है, तो ATIA में आपको deduction नहीं मिलेगा. This was for everything. कोई भी section में यही है, double taxation भी allow नहीं है, double deduction भी allow नहीं है. जो एक बार कहीं और हो जाता है तो वो दूसरी बार कहीं और नहीं हो सकता. हेलो हेलो हाँ 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 नेक्स्ट इज ATIAB. ATIAB में क्या है, Enterprise engaged in development of special economic zone. Now, पहले वाला में भी आप IA में भी पढ़े थे special economic zone, इसमें भी पढ़े थे special economic zone. तो अगर आपको IA में reduction मिलता है, तो आपको इसमें नहीं मिलेगा. If you are getting reduction, IA में अगर आपको reduction मिलता है, तो आपको IAB में reduction नहीं मिलेगा. ठीक है? What are the conditions? यहाँ पे भी आपका conditions है. It must be engaged in business of developing SEZ. Business start होना चाहिए 2005 के बाद. और अगर development है of SEZ, development should have begun after 2017. See, यहाँ पे दो चीज है, या भी enterprise और enterprise engaged in development of special economic zone. दो बात है, ठीक है. अगर आपका SEZ है तो SEZ should be notified कि ये SEZ है. ये बात आपको 1/4/2005 से के बाद notification वाला SEZ होना चाहिए, और ये development वाला काम आप before 2017, 1 April 2017 के पहले ये development वाला काम हो जाना चाहिए, तब आपको ATIAB में deduction मिलेगा. और 100% of profit last 15 साल का, 10 साल का profit आप 100% reduction ले सकते हैं. अच्छा, और कुछ कुछ points जो आपको cover करना है इस deduction को लेने के लिए. मैम, हाँ, ये डबल डिडक्शन मतलब नहीं मिलेगा क्या, क्या मतलब है कि एक बार मिला कि, मतलब अगर आप कोई एक सेक्शन में डिडक्शन ले लिए हैं तो आपको दूसरा सेक्शन में नहीं मिलेगा. जैसे ATIA में भी आपको SEZ का बात बोल रहा है, और ATIAB में भी आपको SEZ का बात बोल रहा है, बट कंडीशंस दोनों के लिए अलग है.
तो अगर आपका कंडीशंस फुलफिल होता है और आप डिडक्शन लेते हैं अंडर सेक्शन 80IAB में, तब आप वापस SEZ के लिए ये क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा तो 80IA में भी डिडक्शन बन रहा है, हम IA में भी लेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल, डबल आप नहीं ले सकते, आपको कोई एक सेक्शन में ही डिडक्शन लेना है। जैसे हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का एक सम किया था डिडक्शन में, जहां उसमें लिमिट था कि उतना ही लिमिट आप उस सेक्शन में ले सकते, बाकी आप सेक्शन 24 ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट के लिए ले लीजिए। वो जो लोन पेमेंट था, लोन पेमेंट का मैं आप पढ़ लीजिए कि जितना आप इस सेक्शन में लेना चाहते हैं ले लीजिए, उसके बाद 24 में लीजिए, द बैलेंस कुड बी टेकन, बट यू कैन नॉट से कि हमको डिडक्शन इस सेक्शन में भी लेना है और सेक्शन 24 में भी लेना है। दो दो बार आप एक ही चीज का डिडक्शन नहीं ले सकते। समझ में आया? जी मैम। तो भाई ये बोल रहे हैं कि IAB में भी आपका SEZ है और IA में भी था SEZ, इंडस्ट्रियल पार्क्स एंड SEZ, तो दोनों में नहीं जा सकते। यू हैव टू सी कि आप कौन सा कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट उस सेक्शन का आपको डिडक्शन मिलेगा, नॉट फ्रॉम ऑल द सेक्शंस व्हिच आर रिलेटेड टू SEZ। तो यहाँ पे अदर पॉइंट्स क्या है, नो डिडक्शन। See, where a developer transfers the operation and maintenance of such SEZ to another developer, then such other developer shall claim the, अगर transfer मतलब वो अपना काम या अपना SEZ का जो भी है वो क्या करता है, वो developer transfer कर देता है, बेच देता है किसी और को, तब the second party जिसको transfer किया है, मतलब suppose A transfer कर देता है B को, तो अब से डिडक्शन कौन लेने लग जाएगा, बी डिडक्शन लेने लग जाएगा। फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एप्लीकेशन टू दिस सेक्शन, ये सी नो डिडक्शन शैल बी अवेलेबल अंडर सेक्शन 80IA। जब आपको ये पता चल गया या आपका ये है कि हमको 80IAB में डिडक्शन लेना है, तो उसके बाद आप कभी भी फिर 80IA में डिडक्शन नहीं ले सकते। Where any deduction is allowed under this section, अगर deduction इस section में allow है, then deduction shall not be allowed under any other provision. बाकी कोई act provision of this act में वो deduction allow नहीं होगा। Return of income time पे payment करना है, आपको बोला 80IA में refer कर लिया, IA में क्या लिखा है, within time you have to deposit. Audit report CA upload करेगा 1 month before return filing date. पावर ऑफ असेसिंग ऑफिसर टू रिकम्प्यूट प्रॉफिट, अगर आपका प्रॉफिट गलत रखे तो AO आपका प्रॉफिट रिकम्प्यूट कर सकता है। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इफ डिडक्शन हैज नॉट बीन क्लेम्ड, ये हम फर्स्ट के भी बोले थे कि इस सेक्शंस का 80 सीरीज का जितना भी सेक्शंस है वो आपका ऑप्शनल है, अगर आप क्लेम नहीं करेंगे तो सामने से आके आपको कोई डिडक्शन नहीं देगा। यू हैव टू क्लेम द डिडक्शन तभी आपको वो डिडक्शन मिलेगा, अगर आप बिना क्लेम करके अपना रिटर्न अपलोड कर दिए हैं तो आपका उस साल का डिडक्शन कैंसिल हो जाएगा, आपको और डिडक्शन नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू क्लेम द डिडक्शन। एलिजिबल स्टार्टअप मींस अ कंपनी LLP, जो मतलब एलिजिबल स्टार्टअप का कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको एलिजिबल स्टार्टअप बोला जाता है। अब वो कंडीशंस क्या है, पहला कंडीशन है इट हैज इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 2016 बट बिफोर 2021, मतलब अब अगर कोई स्टार्टअप बन रहा है तो उसके लिए ये सेक्शन नहीं है। ये सेक्शन किसके लिए था, 2016 से 1 अप्रैल 2016 से 1 अप्रैल 2021, उस 5 साल में जितना भी स्टार्टअप्स आया वो सारा स्टार्टअप में फोल्ड आया, सेक्शन एप्लीकेबल है 80IAC। ठीक है, व्हाई मैम ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, बैकग्राउंड का ज्यादा असर, और दोस्त कैसे बंद कर रहे हो, ठोक रहा है ना वो, स्कूल का काम हो रहा है, स्कूल का कुछ काम हो रहा है। और
ये दरवाजा भी बंद किए लेकिन कोई फायदा नहीं। ठीक है, ये एलिजिबल बिजनेस, एलिजिबल स्टार्टअप कब होता है? विच इज इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 2016 बट बिफोर 2021। मतलब आप ये 5 साल दिया था टू बूस्ट स्टार्टअप्स, वो स्टार्टअप इंडिया जो स्कीम आया था उस स्कीम के वजह से, ताकि लोग ज्यादा अपना स्टार्टअप या अपना बिजनेस, इंडिपेंडेंट इंडिया का जो स्कीम चल रहा है कि सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, ये सब चीज को बूस्ट करने के लिए ये 5 इयर्स दिया था कि इस 5 इयर्स में अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप करते तो आपका जितना भी प्रॉफिट है उसका डिडक्शन, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो 100% डिडक्शन होगा। ओके, और उसका टोटल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 100 करोड़। अब 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस भी नहीं होना चाहिए एक साल में, बिकॉज इफ यू आर अर्निंग 100 करोड़ फ्रॉम योर स्टार्टअप तो आपको बेनिफिट या कोई एग्जेम्पशन या डिडक्शंस का जरूरत नहीं है। यू आर वेरी मच क्या बोलते हैं एलिजिबल टू गिव टैक्स, क्योंकि 100 करोड़ का टर्नओवर अगर है तो उसको कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, वो टैक्स कर देने का उसके पास पैसा है। इसीलिए उन स्टार्टअप्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है जिसका बिजनेस 100 करोड़ से ज्यादा हो। यू इफ द बिजनेस डज नॉट एक्सीड 100 करोड़ तब आपको दिया जाएगा इस सेक्शन का बेनिफिट, और आपको एलिजिबल बिजनेस है इसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा फ्रॉम मिनिस्ट्री, जो भी मिनिस्ट्री है, इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन, उससे आपको ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ओके, एंड द बिजनेस शुड बी न्यू बिजनेस। ऐसा नहीं बोल सकते कि पुराना एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ये बेनिफिट लेने के लिए रीस्ट्रक्चर कर लिया उस बिजनेस को और नया बिजनेस बना लिया। नो, इट शुड बी अ न्यू बिजनेस, न्यू आइडिया। वैसा कोई और बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता था पहले, मतलब या फिर इट वाज नॉट अ रीस्ट्रक्चरिंग वाला कहानी नहीं है, इट शुड बी अ न्यू बिजनेस। और उसके भी बाद क्या बोलते हैं इसमें भी वो कंडीशन है, एक्सेप्शन क्या होगा, जब आपका कोई बिजनेस था एंड इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड और डैमेज्ड ड्यू टू दोज नेचुरल कंडीशंस, टाइफून है, फ्लड, या जितना भी वो कंडीशंस था, सिविल टेंशंस, रायट्स, वॉर्स, ये सब की वजह से अगर आपका बिजनेस बंद हो गया है, बट विद इन 3 इयर्स अगर आप अपना बिजनेस वापस रिस्टार्ट कर लेते हैं तो भी आपको 80 IAC का डिडक्शन मिलेगा। What is the deduction? 100% of the profit. जितना भी profit है उसका 100% आपको deduction मिलेगा। 10 assessment years में से कोई भी 3 assessment years. Because 10 assessment year तो आपका देखने के लिए 10 years से हो सकता है, but आपका eligibility 5 साल ही है, उसके बाद तो आपका eligibility नहीं है, इसीलिए सिर्फ 3 years दिया गया है in 10 years. 10 साल में सिर्फ 3 साल आप अपना क्या बोलते हैं प्रॉफिट का डिडक्शन ले सकते हैं। 100% जितना भी प्रॉफिट आता है वो पूरा 80 IAC में माइनस हो जाएगा एंड योर टैक्सेबल लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी विल बी 0। नेक्स्ट इज 80IB। आईबी में क्या है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम सर्टेन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। वापस आपका इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग आ गया, बट इन दिस केस वो लिख दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर वाला को छोड़ के। सी, पहला वाला जो 80IA था उसमें क्या था, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, लेकिन 80IB में वो साफ साफ लिख दिया इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम लोग 80IA में बोल चुके हैं, तो 80IB में दूसरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, सॉरी दूसरा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, नॉट दी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाला अंडरटेकिंग नहीं होगा। अब यहाँ पे कौन सा इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं? पहला वाला में आप कौन सा बात किए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला था, इंडस्ट्रियल पार्क था, SEZ था, या फिर पावर वाला था, ट्रांसमिशन एंड डेवलपमेंट। आई बी में कौन सा है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, वो तो है कोई भी टाइप का इंडस्ट्री, मिनरल ऑयल्स, प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन एंड पैकेजिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मीट और इंटीग्रेटेड बिजनेस ऑफ हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स रिलेटेड आपका कोई बिजनेस है, उसका ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ऐसा अगर कोई बिजनेस है तो भी आपको 80IB में डिडक्शन मिलेगा। मिनरल्स का बिजनेस है, मिनरल ऑयल्स का बिजनेस है, या फिर कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है तो आपको 80IB में डिडक्शन मिलेगा।
एंड इज एप्लीकेबल टू ऑल एसेसरी कंडीशंस टू बी सैटिस्फाइड. क्या आपको कंडीशन सैटिस्फाई करना है? It must be the business which is engaged in the following things and it should be in India. In India hona chahiye. Manufactures or produces any article or thing which is in the list of 11th schedule. अब 11th schedule में क्या लिखा है वो आपको learn नहीं करना है. आपको सिर्फ ये जानना है 11th schedule का कोई भी goods अगर वो manufacture करता है तो वो मिलेगा. And वो good 11th schedule में है कि नहीं वो इंडस्ट्री क्या करता है गूगल कर लेता है. उसको पता है कि हमारा गुड्स 11th शेड्यूल का गुड्स है कि नहीं. तो उस 11th शेड्यूल में जो गुड्स लिखा हुआ है उसका अगर कोई मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करता है तो उसको ATIB में डिडक्शन होता है. ऑपरेट्स कोल्ड स्टोरेज प्लांट. नाउ सी ये जो कोल्ड स्टोरेज प्लांट है कोल्ड स्टोरेज का कहानी आप पढ़े थे उसमें भी स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD BGBP वाला जो सेक्शन था BGBP में हम लोग एक सेक्शन पढ़ा था 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस उसमें भी कोल्ड स्टोरेज का बात था कि 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% रिडक्शन मिलेगा सेक्शन 35AD और ATIB में भी कोल्ड स्टोरेज वाला बात है. तो यू हैव टू सी कि आप कौन सा कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं अकॉर्डिंगली आपको कौन सा सेक्शन में रिडक्शन मिलना चाहिए 35AD या ATIB. ऑपरेट्स कोल्ड स्टोरेज प्लांट. कोल्ड स्टोरेज प्लांट ही ऑपरेट करता है रिजल्टिंग इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू आर्टिकल इनटू न्यू डिस्टिंक्ट थिंग हैविंग न्यू कैरेक्टर ब्रिंगिंग इनटू एग्जिस्टिंग न्यू डिस्टिंक्ट. कोई भी ये कोल्ड स्टोरेज का अगर कोई भी काम है इतना इन डिटेल आपको काम नहीं पता अगर करना है आपको सिर्फ ये करना है कि कोल्ड स्टोरेज रिलेटेड कोई ऑपरेशंस वाला काम अगर वो करता है तो ATIB में डिडक्शन मिलेगा. Undertaking located in state of Jammu Kashmir shall not manufacture or produce any article mentioned in 11th schedule as well as following items. ठीक है अगर जम्मू कश्मीर में कोई है जम्मू एंड कश्मीर में अगर कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है तो वो मैन्युफैक्चर नहीं करेगा 11th शेड्यूल वाला आइटम्स तब उसको प्रोडक्शन मिलेगा. आप क्या कर रहे थे इसमें कि मैन्युफैक्चर करता है लिस्ट इन 11th शेड्यूल लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में अगर कोई है तो वो 11th शेड्यूल वाला आइटम्स वो मैन्युफैक्चर नहीं करेगा. ठीक है एज वेल एज और कौन सा आइटम्स नहीं करेगा सिगार सिगरेट्स टोबैको मैन्युफैक्चर्ड टोबैको डिस्टिल्ड ब्रूड अल्कोहलिक ड्रिंक्स और एडिटेड ब्रांडेड बेवरेजेस ये सब चीज का बिजनेस आप नहीं करेंगे विच आर मेंशन्ड इन 11th शेड्यूल एंड 13th शेड्यूल. इफ यू आर इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो आप ये सब बिजनेस नहीं करेंगे. ठीक है एक्सेप्शंस हाउएवर इसका एक्सेप्शंस है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया. ठीक है लेकिन इसका फिर भी एक्सेप्शंस है. एक्सेप्शंस मतलब सॉरी इसका क्या एक्सेप्शन है कि आपका कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या कोई बहुत ज्यादा बैकवर्ड एरिया में अगर इंडस्ट्री है तो वो ये सब कर सकता है सिगार सिगरेट्स और अल्कोहलिक ड्रिंक्स बिवरेजेस ब्रांडेड बिवरेजेस ये सब अगर वो करता है बिजनेस तो भी ATIB में डिडक्शन मिलेगा. सी यू हैव यू देयर आर टू थिंग्स जम्मू कश्मीर में है तो 11th शेड्यूल वाला नहीं मिलेगा और 13th शेड्यूल वाला भी नहीं मिलेगा बट उसमें भी एक्सेप्शंस है. मतलब अगर जम्मू कश्मीर में कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तब वो ये काम कर सकता है. तो टू थिंग्स जम्मू एंड कश्मीर के बारे में दो बात बोला है. एक तो बोला कि नहीं मिलेगा और बाद में फिर बोला कि एक्सेप्शंस है. अगर ये दो चीज है तो मिलेगा. ये दो चीज मतलब इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग या फिर ऐसा इंडस्ट्री है मतलब इंडस्ट्री कहाँ है बैकवर्ड एरिया में बहुत ज्यादा बैकवर्ड एरिया में है तो भी मिलेगा. न्यू बिजनेस अगेन वही आपका न्यू बिजनेस होना चाहिए. एक्सेप्शंस में आपको 35 ATIAC का बोल दिया है मतलब एक्सेप्शंस वही होता है कि वो डैमेज हो गया था ड्यू टू नेचुरल कॉजेस और फिर वो विद इन 3 years उसको रिवाइव कर दिया दिस इज एक्सेप्शन. प्लांट मशीनरी भी आपका नया होना चाहिए. अच्छा इसमें क्या है नंबर ऑफ वर्कर्स भी है विद द एड ऑफ पावर 10 वर्कर्स without the aid of power 20 workers so without with the aid of power or without the aid of power ka matlab hota hai light ka baat kar rahe hai agar uska help se you are working to 10 worker hona chahiye
विदाउट द एड ऑफ पावर तो 20 वर्कर्स होना चाहिए आपको, मतलब आप ऐसा नहीं है कि 100-500 लोगों को एंगेज कर लिया अपना इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में, नो, उसमें भी 80 आईबी में आपका लिमिट है 10 और 20। अब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में देर आर नॉट मेनी डेट्स, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग डेट्स है। These dates you don't have to remember, इतना इसमें इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं देगा। हाँ, अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ जाए तो इट कैन कम, बट कोई आंसर वाला क्वेश्चन में वो डेट का क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इस साल स्टार्ट हुआ था तो क्या है। बट इन क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ सकते हैं कि सपोज इस साल में से कोई अलग साल देंगे तो आपको क्या 80 आईबी का रिडक्शन मिलेगा, तो यस और नो आपको वो क्वेश्चन आ सकते हैं। सो दीस डेट्स यू हैव टू कीप इन माइंड। क्वांटम ऑफ रिडक्शन, हर बार हम लोग क्वांटम ऑफ रिडक्शन 100% भर रहे थे यहाँ पे जी। लोकेटेड इन इंडस्ट्रियल बैकवर्ड एरिया, अगर इंडस्ट्रियल बैकवर्ड एरिया में है या फिर लोकेटेड इन इंडस्ट्रियल बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैटेगरी ए, यू डोंट हैव टू नो दिस कि कैटेगरी ए में कौन सा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा। ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये सब बिजनेस है, कंपनी है, तो 5 साल तक 100%, फिर 5 साल तक 30%, मतलब 5 साल तक आपका जितना भी प्रॉफिट है 100% डिडक्ट होगा, और फिर 5 साल तक जितना भी प्रॉफिट 30% आपको अलाउ होगा अंडर सेक्शन 80IB। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 100% फॉर 5 years, 25% फॉर नेक्स्ट 7 years, कोई और पर्सन है तो फिर 100% फॉर 5 years, 25% फॉर नेक्स्ट 5 years। This slabs you have to learn, ये slab आपको कि कौन सा बिजनेस में कितना slab का प्रॉफिट अलाउ होगा। This was your क्या बोलता है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का इतना क्वेश्चन पॉइंट्स था। नेक्स्ट आपका है मिनरल ऑयल के बाद वो वेजिटेबल मीट, ये सब का ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज, अगर ये बिजनेस है तो ये ऑयल इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी एंड इट इज इन द क्या बिजनेस है आपका, या तो प्रोडक्शन या रिफाइनिंग, रिफाइनिंग ऑफ मिनरल ऑयल या प्रोडक्शन इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे ऐसा कोई जम्मू कश्मीर या नॉर्थ इन जम्मू कश्मीर का कोई बाइफर्केशन नहीं है, ठीक है। और आपका बिजनेस का टाइम यू हैव टू रिमेम्बर, प्रोडक्शन मिनरल ऑयल का 97 बट बिफोर 2017 of the profit, jitna bhi aapka profit hai 100% milega for a period of 7 years and 7 consecutive years, jab se aap business start kiye hain tab se leke 7 saal tak aapko milega, isme waisa nahi hai ki last 10 saal apne man ka, isme kya hai jab se aap business start kiye us din se leke 7 saal tak aap reduction le lijiye, uske baad aapko koi reduction nahi milega under IB and 100%। This was for mineral oil. Mineral oil में आपको ये दो बातें याद रखना, एक और दूसरा आपका 100% reduction 7 साल तक। And it is same for all over India. इसमें कोई अलग bifurcated states नहीं। Next is processing, preservation, packaging of fruits, food grains, transportation of vegetables. इसको मिलता है to all SSC. The undertaking should be engaged in the business of agricultural produce. जितना भी agricultural related सामान है, उसका कोई ना कोई काम करता है। Fruits, grains, vegetables का transportation या preservation, packaging ये सब, food grains का packaging, preservation ये सब का काम करते हैं अगर, तो आपको 80IB का deduction मिलेगा। और deduction कितना मिलेगा? जिस साल आपका start हुआ है, first 5 years तक 100% और उसके बाद 25% for 5 years. नेक्स्ट 5 years तक आपको 25% मिलेगा। और अगर आप कंपनी है, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को 30% मिलता है नेक्स्ट 5 years के लिए। 100% लीजिए, लीजिए, एंड 50% का आपको रिडक्शन मिलेगा आईपी। ओके, तो यहाँ तक वी कंप्लीटेड 80IB। अब कल आई विल स्टार्ट विथ 80IBA।
दिन नहीं लगेगा, टू टू क्लासेस में आई थिंक इट विल बी ओवर, दो क्लास भी, दो भी शायद ही लगे, दो क्लास में ये हो जाए। ओके थैंक यू। क्लास नहीं होगा और आज और कोई क्लास भी नहीं होगा, इफ यू इफ पीपल डोंट कम तो फिर धीरे थोड़ा दिन बाद टैक्स क्लास भी नहीं होगा। ओके थैंक यू, थैंक यू मैम।